आज हम आपके साइड के फैट, छाती की फैट, पेट की और डोगर वैली फैट और साइड ये पैरों के फैट को कम करने के लिए केवल दो व्यायाम लेकर आए हैं। यदि आप ये दो व्यायाम आराम से कर लेते हैं, बहुत सरल है करना, कर लेते हैं और साथ में स्वास्थ्य नियम का पालन करते हैं, तो आप अपना फैट जो है ना हर महीने में कम से कम 2 इंच रिड्यूस कर सकते हैं। ओम वंदे गुरु मातरम मित्रों। तो चलिए हम सीधा व्यायाम आरंभ करते हैं बिना कुछ और बात के। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पैर फैला लेने, पैर फैलाने में ध्यान क्या रखना है, आपके कितने पैर फैल रहे हैं, मेरे तो उतने फैल गए, आपके जितने होता है आप मतलब ये मैं दिखा रही कि आप कितने फैला सकते हैं, जितना आपसे फैल जाए उतना फैला लीजिए, इससे अधिक फैलता तो इससे अधिक भी फैला सकते हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जिसका मेरे से भी अच्छा होता है तो आप कर सकते हो, क्योंकि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप कर सकते हो। अब उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे वार्मिंग अप एक्सरसाइज। ये क्या करना है, साइड से ऐसे पकड़िए, दोनों पैरों को पकड़िए, देखिए आप कहाँ कहाँ तक जाता है, ये आपको बताएगा कि आपका फैट साइड का, कमर का, ये हाथों का कितना कम हुआ है। आप रोज इसको करेंगे ना तो धीरे धीरे, अभी आप कहाँ तेरी यहाँ है तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा और एक दिन फिर वो यहाँ भी जाएगा और आपका हाथ जितना नीचे जाएगा उतना ही आपकी फैट कम हो जाएगी। तो अभी आप तो देख रहे हैं मेरा तो ऐसे ही जा रहा है, हाँ पर आपका नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ले जाएंगे। अब आपको ये पहला व्यायाम नहीं है, ये तो केवल वार्मिंग अप है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको पहले एक्सरसाइज आरंभ करनी है। क्या करना है, हाथ सीधे, दोनों हाथ सीधे, ये पीछे जाएगा ये पकड़ेगा, ये पीछे जाएगा पकड़ेगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे। ये व्यायाम जो है ना मित्रों बहुत सरल है, खाली क्रॉस होना है, हाथ दोनों सीधे रहेंगे और ये जो व्यायाम है ना मित्रों ये आप जब करेंगे, आप देखिए हाथ कैसे जा रहे हैं और कंधे कैसे मूवमेंट ले रहे हैं, छाती कैसे मूवमेंट ले रही है, मतलब जहाँ जहाँ मूवमेंट आ रही है ना वहाँ सबको ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा, फेफड़ों को मजबूत बनाएगा, क्योंकि फेफड़े भी इसमें खुलते हैं, तो आपके सांस जो चलते हैं उसमें फेफड़े खुलते हैं, तो इससे आपका रोग प्रतिकारक क्षमता भी बढ़ती है। पर आपको बोलते बोलते नहीं करना, यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे, नाक में घी तेल आदि डालेंगे तो ये आपके सांसों को और सरल बना देता है। तो आपको मुंह बंद करके सांसों पर ध्यान के साथ करना है। सांसों पर ध्यान कैसे होगा, सांस भर दी, सांस छोड़ दी, सांस यहाँ सांस भर गई, यहाँ सांस छूट गई, ठीक है ना। ये आपको एक बार में 100 से 150 अभ्यास करने हैं, डिपेंड आपकी सामर्थ्य कितनी है, और ऐसे आप इसको दिन में 3 राउंड करिए। और ये खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खाली पेट या भोजन के 4-5 घंटे बाद, तो इस तरह से ये करेंगे। उसके बाद क्या है, इसी का अभ्यास लगातार ये करना है आपको। यदि आपको ऐसे नहीं हो रहा तो आप रुक जाइए, जब आप रुक जाएंगे, दूसरा हाथ पीछे है, रुक जाएंगे तो यहाँ सांस आपकी नॉर्मल चलती रहेगी, छोटी छोटी सांस, वैसे ही दूसरे साइड भी रुक सकते हैं। यदि आप थक जाते हैं तो आप रुक भी सकते हैं, ऐसा नहीं आपको लगातार चलते रहना, लगातार आप ऐसे ऐसे करते वो नहीं करिए। यदि आप थक गए हैं, घुटने जमीन पे, घुटने ऐसे नहीं होने चाहिए, ऊपर नहीं उठने चाहिए, और ऐसे आप करेंगे बहुत अच्छा काम करेगा मित्रों। और उसके बाद दूसरा अभ्यास जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत सरल है। क्या करना है, ये हाथ यहाँ रखा है, जहाँ आ जाए यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए जहाँ आ जाए, उसके बाद दूसरा हाथ ऊपर से लाना है और वो भी यही रखना है। ध्यान क्या रखना, ऊपर वाला जो हाथ है वो कान को टच होके गर्दन आपके सामने रहेगी और आपका लास्ट जो है ना ये आपको पकड़ लेना है और आपका जो कान है ये वाला यहाँ टच हो जाता है। पर ये कब होगा, जब आपका फैट कम हो जाएगा, अभी तो आपसे शायद इतना ही हो पाएगा, इतना हो पाए तो इतना करिए, जितना हो जाए उतना करिए, पर करिए अवश्य। ये लास्ट आपका ऐसे आएगा, आरंभ आपका ऐसे होगा, आरंभ ऐसे होगा, पर ध्यान रखें ऊपर वाला हाथ कान को टच और नीचे वाला हाथ पैर को टच करने का प्रयास करें। ऊपर वाला हाथ कान से अलग नहीं होगा और गर्दन आपकी नीचे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, गर्दन आपके सामने देखेगी और आपका हाथ ऊपर से आएगा कान को टच होके। तो ये बहुत सरल व्यायाम है मित्रों, यदि आप ये करते हैं, ये भी आपको 100-150 बार करना है, डिपेंड आपकी सामर्थ्य कितनी है, और दिन में 3 राउंड कर लीजिए, देखिए किस तरह से आपका 1 महीने में ही 1 से 1.5 इंच साइड फैट कम हो जाएगा। इंच की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैं क्या है ना, कभी कभी किसी किसी का शरीर बहुत थुलथुला होता है, यानी कि वजन नहीं होता पर मोटा होता, तो वो हवा जो भर जाती है ना, हवा ये बहुत अच्छे से आपके पूरे अंगों की निकाल देगा, तो आपको ये बहुत अच्छा लाभ देगा और इसकी फिर गति भी बढ़ा सकते हैं आप चाहें तो। ये देखिए आपको जैसे उचित लगे वैसे करिए, गति बढ़ाइए तो गति बढ़ाइए, और हाँ यदि आप बोलते हमें गति नहीं बढ़ानी है तो आप क्या करिए, आप उसको स्टॉप करके करिए। अब ऐसे आप 5 मिनट तक कर सकते हैं, आप स्टॉप कर लीजिए, देखिए ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको गति से ही करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ सांस छूट जाती है और छोटी छोटी सांस चलती है, यहाँ सांस भर गई, सांसों का सीधा सा क्रम है, जब पेट या छाती दबती है तो सांस खाली हो जाती है, जब आप ऐसे सांस लेते हो ना तो आप देखो आपके फेफड़ों को कितना अच्छा लगता है। और आप स्वास्थ्य नियम का पालन करके, मैं दूसरी बार बोल रही हूँ कि स्वास्थ्य नियम जो डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो दिए हैं उसका पूरा पालन करेंगे तो आपको शीघ्र समाधान मिलता है, क्योंकि उससे आपका पेट साफ होना सरल हो जाता है,
नाक से सांस लेना सरल हो जाता है तो आपको बहुत शीघ्र समाधान मिलता है। तो आशा है आपको व्यायाम समझ में आए होंगे, बहुत सरल है, आप तुरंत कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। और नए क्या क्या व्यायाम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे प्रयास करें कि दवा मुक्त भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत सारे वीडियो बनाएं, ताकि आपको जो अनुकूल लगे, आपको जो अनुकूल हो, उस अनुसार आप पालन करके अपने आप को स्वस्थ बना सकें। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।